राजस्थान के कोटा शहर में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए गए छत्तीसगढ़ के छात्रों को सप्ताह भर पूर्व लाया गया था। इसमें जिले के 181 छात्र और 8 पालक सहित 130 लोग शामिल थे। छात्रों को कोटा से लाने के बाद उनका रैपिड किट से जांच कर रायपुर में ही क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। आधी रात को सभी छात्रों को जांजगीर लाया गया। जिले के छात्र छात्राओं को लेकर आने वाली बस रात 3 बजे के करीब जिला मुख्यालय जांजगीर पहुंची। छात्रों को लेने के लिए उनके परिजन सोमवार की शाम से ही जांजगीर के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर पहुंच गए थे। सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद छात्रों को उनके परिजनों को सौंपने के लिए डिप्टी कलेक्टर करुण डहरिया, तहसीलदार प्रकाश चंद्र साहू, नायब तहसीलदार शेखर पटेल और अन्य अधिकारी कर्मचारी रात भर डटे रहे। सुबह 8 बजे तक ये प्रक्रिया चली। छात्रों के घर जाने के बाद 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। इसके लिए छात्रों और उनके परिजनों से शपथ पत्र भरवाया गया है। चेहरे पर दिखी घर पहुंचने की खुशी। छात्र छात्राओं के कोटा से वापस आने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। वहीं बच्चे भी अपने घर पहुंचने को लेकर खुश नजर आए। उनके चेहरे पर अपने परिजनों से मिलने और घर पहुँचने की खुशी साफ झलक रही थी। कहाँ से आना हो रहा है आपका? हम लोग रायपुर से। कहाँ जा रहे हैं आप? विकास। अच्छा, आने में क्या कैसा रहा आपका जो है? काफी अच्छा था। हाँ, जिला प्रशासन का क्या था इसमें? हमें तो उसके बारे में कुछ नहीं पता, जिला प्रशासन का क्या था, लेकिन लाने जाने के लिए क्या कहेंगे आप? काफी अच्छा था, बस वगैरह का ट्रैवल, इस बार एसी का सारा, इस बार का सब सही था, खाना वाना भी हम लोग अच्छे से मिल गया और आराम से आए हम लोग, बाकी कोई तकलीफ नहीं है। कितने दिन लिए, कितने दिन पहुँचे आप? 8 बजे रात को निकले। क्या नाम है आपका? योगिता साहू। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जयपुर। कहाँ से आ रहे हैं अभी? रायपुर से। आने जाने में आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या? काफी अच्छा था ट्रैवल हमारा, बस भी काफी अच्छी मिली थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, खाना भी टाइम पे मिला, सब सही था। जांजगीर में आने के बाद आपको क्या कह रहा है? काफी व्यवस्था अच्छी थी, बच्चों को रखने का, ले जाने का जो भी था अच्छी।